हम हैं इस समय सुल्तानपुर में और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही है मेनका गांधी, जिसकी इस समय पूरे देश में भैया चर्चा बहुत होता हो। और हमारे इस समय है सिविल लाइन इलाके में और हमारे संगे कुल नेता हुआ क्या समझ लो, कोई जो है पार्षद हो, कोई पार्षद के जुगाड़ में हो कि कैसे इनका टिकट कटे हमें मिल जाए, है ना। और यहाँ देखो तो वो चाय भी बना था, बहुत लंबा चर्चा होता, चाय वाले जो हुआ ना इंटर पास भी हुआ ये भी समझ लो तू, और इंटर पास होने से जो ना चाय में पूरा जो है दिमाग लगा के चाय बनाओ तू। तो बताओ भैया ये हमें कि अभी राजनीति में आप क्या कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 24 घंटा का सभा सात 4-8 लगातार। तो इस बार विधायक के जुगाड़ में है आप? एक नहीं, विधायक के जुगाड़ नहीं है, जो संगठन हमारा जो कहता है करते हैं। तो कहे बदे बात हो कि संगठन कही हम मान जा, तो हर राजनीतिक कार्य करने वाला चाहता कि हम आगे बढ़े। यह तो पूछा थी कि केकर टिकट कटे कि तुम्हारा काम हो जाए। टिकट किसी की नहीं कटेगा, जो जिसको केंद्रीय नेतृत्व देगा उसको लड़ाएंगे और लड़ेंगे। अरे मंगबन आए तो दे ही के मांगब, तो ये मांगते हैं जिसको मिलता है लड़ाते हैं, नहीं मिलता। मंगले पिछली बार हाँ जी मांगे थे, नगर पालिका चेयरमैन ही मांगे थे, बैकवर्ड सामान्य सीट हो गई, नहीं मिला बैकवर्ड। जुगाड़ बनल नहीं, जुगाड़ नहीं बना, आपकी जुगाड़ बनेगा, बन जाए। बहुत बढ़िया, तुम पार्षद हुए? नहीं मैं पार्षद नहीं हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा पार्षद, तुम्हारी पत्नी पार्षद है? हाँ। अरे यार ये जुगाड़ तो बहुत सही यार। मतलब पार्षद पत्नी और प्रतिनिधि बहुत। मैं मतलब नहीं मंगरू तो हम समझ गए यार, मंगरू प्रजापति एक माटी कला बोर्ड सरकार ने बनाया, उसके सदस्य भी हूँ, उत्तर प्रदेश सदस्य भी हुआ और पार्षद प्रतिनिधि भी हुआ। पार्षद मेरी वाइफ है और सदस्य में हूँ। बताओ दस्तखत के करा ला, तू करा ला कि पत्नी करे? पत्नी करे। पक्का पता चल जाए, कोई बात नहीं जी। तो पैसा निकाले बदे स्वीकृति तो से लेवल जाला कि पत्नी से? वो तो पत्नी बोर्ड में अपना प्रस्ताव रखती है, उसके बाद पास होता है तो पत्नी सब करती है। हम बिना पूछ ले कि पूछ भाई, वो नंबर है 2 साल के जो है, हम तो पूछना जरूरी है उसको। आज के समय में मोदी जी ने कहा 33% महिलाओं का आरक्षण, आज महिलाएं बहुत आगे हैं। तो उसे नहीं पूछती पैसा दे वक्त विकास के काम में? हमारे मोदी जी ने महिलाओं को इतना आगे कर दिया कि हम लोगों को पूछने कोई जरूरत नहीं, वो लोग इतना सक्षम हो रहे हैं अपने यहाँ पे। देखो मुस्कुरात हुआ ही, समझ गई ना कि सारा मामला बिना मंगरू से पूछ ले कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी जी महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा दिया। बात तो सही कहा, लेकिन नारी सशक्तिकरण के नाते ये तो हम समझ गई थी। ओकरे बाद भी तोरो अपने अपन टिकट न दे महिला के विधायक वाला? नहीं इसके पहले दे दिए, तुम्हारी पत्नी थी अब की हम है। तो परिवार बात का विरोध तू नहीं करता? ना 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 परिवार बात नहीं है, संगठन दिया लड़ाई नहीं, इसके पहले दूसरे दिए, दूसरे लड़ाए थे। अरे तो इनके दे दे, इनके पत्नी के दिवा दे ले होता है? नहीं इनका अलग है, हमारा अलग है, उनका मामला अलग हो, इनका वार्ड अलग, हमारा वार्ड अलग है। यार तू कहे नहीं कोई और के दे उला, अपने पत्नी के कहे दे उला? अरे भाई इसके पहले हम तो अपने पत्नी को जो पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है। और कोई सक्रिय रहे ना कल भाई? भैया भैया लाल भैया कहे रख ले हुआ तू अपन नाम? मेरा बचपन का नाम। अच्छा बचपन का नाम है। हाँ। तो लोग लाल भैया के नाम से जानते हैं। पहले सवाल सुन लीजिए, परिचय सुन लीजिए। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी के नाम से एक संगठन बना, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीपी सिंह स्मारक जनसंघर्ष मोर्चा। तो मोर्चा संघर्ष करत हो? करता है। होकर तो कुछ फायदा होता नहीं है, देखत हो जातिगत जनगणना बिहार में होगा, नीतीश कुमार है भाग गई ना वहाँ जी। मुद्दे वही, मेरी पहला सवाल है कि यह मोर्चा राजनीति उन मुद्दों पे कर रहा है कि वादे जो भूल गए, मुद्दे जो छूट गए। अब वादे भूल क्या गए उसको सब जनता जानती है। ए, ए भैया दुबे जी, पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा वादा था पिछले कई साल का था कि सुरक्षा परिषद में स्थान हम दिलाएंगे, सांसद निधि और विधायक निधि का भ्रष्टाचार हम दूर करेंगे, जात की राजनीति हम दूर करेंगे। आज जो पूरी राजनीति का परिदृश्य है, मंदिर आंदोलन पहले से चल रहा था, धर्म पहले से चर्चा में थी, पर धर्म में जाति भी उतनी ताकत से घुसी, कौन नहीं कर रहा है ये सवाल ही खत्म हो गया। सब पार्टी के टिकट जात पे बंट रहे हैं, जात के आधार पे। आप नहीं, आप ही नहीं, आप जातिवादी नहीं, आप ही कहना चाहते? मैं जातवादी हूँ। हाँ। मैं जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का, जातिवाद बढ़ाने का, जातिवाद करने का सबसे बड़ा आरोप उन्हीं पे था। मैं घोषित जातिवादी हूँ, पर जो लोग नहीं थे वो झूठ बोल करके पर्दे के पीछे से घोर जातिवाद कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं। आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद है उन मुद्दों को, वादे जो भूल गए, मतलब संसद में जाइबा तब तो मुद्दा उठेगा। बाबू जी सुन तो लीजिए, हम समझ गए। नहीं मेरा कहना है कि मैंने राष्ट्रीय स्तर के दो मुद्दे को बताया, भ्रष्टाचार, सुरक्षा परिषद का स्थान, स्थानीय मुद्दे पे। मतलब अगर आपको कभी भविष्य में मौका मिला तो ये दोनों आप काम करेंगे? बाबू जी मुद्दे सुन लीजिए, अगर बहका देंगे तो बात उठ नहीं। तीन वादे यहाँ बहुत बड़े थे, गुंडा राज खत्म होगा, कुछ हो कुछ बड़े नाम चर्चा में है, खत्म हो गया। एक गुंडा राज खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो,
भाजपा होगा, गिरफ्तारी होगी। पिछले 5 साल से किसी थाने पर किसी हिस्ट्री सीटर की फोटो न लगी न गिरफ्तारी हुई। अच्छी सवाल है, बताइए भैया क्या नाम है आपका? संजय कप्तान। संजय कप्तान, वाह यार कप्तान, सभासद भी हुआ कांग्रेस से, क्या बात है। तो क्या हो रहा है, कौन लड़ेगा यहाँ? हम लोग बड़ा चिंता करत करत परेशान हो गए कि अमेठी की लड़ी, रायबरेली की लड़ी, और यहाँ से तो हो ही गया भाई, आपके गठबंधन के प्रत्याशी को भीम निशा जी को टिकट मिल गया है। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की क्या स्थिति, कांग्रेस कभी ये स्थिति होती थी कि भाई आप जो है अमेठी चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, रायबरेली चले जाइए, सब सब कांग्रेस का ही था। तो आप क्या मतलब अभी कांग्रेस के कमजोर होने का क्या कारण मानते हैं, क्या कमी है? राहुल गांधी यहाँ से वायनाड चले गए, उसकी कितनी चर्चा हो गई। नहीं, राहुल जी ने इस भारत में सबसे बड़ी यात्रा की, और जब इस देश में चुनाव नहीं हो रहा था, इस देश में किसी तरह का वोट मांगने का कोई प्रोसेस नहीं था, उस समय राहुल गांधी ने इस देश में देश की शांति के लिए, कप्तान साहब बात तो तू सही कहते हो, लेकिन भारत भारत जोड़ो यात्रा और कितना, यहाँ इतना पार्टी के लोग छोड़ के चल गए ना कि सर्वा कांग्रेस तोड़ो यात्रा हो गई। नहीं, वो पार्टी के लोग अपने निजी स्वार्थों में छोड़ के चले गए, तो समझा नहीं पा ना। नहीं, समझाया गया खूब, समझाने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी भी इस बात पे तुली है कि जो लोग केवल स्वार्थ बस पार्टी में हैं, उनको पार्टी से जाने दिया जा रहा है, कहीं हम नए लोगों को तैयार किए हैं। और इस बार पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक 60% वोट पे कांग्रेस पार्टी, तो के काहे नहीं टिकट मिले यहाँ से, तू इतना पुराना कार्यकर्ता हुआ, आया बतावा जब सब लोग साथ छोड़ के चल गए तो कप्तान साथ ही खड़ा हुआ, लोगों के तो टिकट नहीं मिलेगा, समय आएगा मिलेगा, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहा था, सूरज तारा देखा था कि सर्वा आज आई। इंतजार तो हर व्यक्ति के जीवन में आखिरी पड़ाव है, इंतजार तो करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। राहुल जी लड़ेंगे यहाँ से? हाँ, राहुल जी लड़ेंगे, और प्रियंका जी? प्रियंका जी भी लड़ेंगे। राहुल जी तो वायनाड चले गए, राहुल जी कहाँ लड़ेंगे, वो तो अपना स्थान छोड़ करके ये चिंता तो झूठे ये चिंता आप ये चीज देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे एकदम पंकज कुमार यादव, 70% आबादी देश में नौजवानों की है, ये सरकार रोजगार पे बात नहीं कर रही है। जो पेपर पार्टी से हुआ जी, हम प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी में, आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी 2000 वैकेंसी आरओ की आई थी, पर्चा लीक हो गया, अभी 60,000 वैकेंसी, पूरी तरीके से एक भी नौकरी ये सरकार नहीं दे रही है। 2014 में आए थे, कहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, आज नौजवान पूरी तरीके से निराश है भारतीय जनता पार्टी से। ये बताओ तुम, समाजवादी पार्टी में इतना आरोप लगल कि कुल यादवों के नौकरी दिया गया है, इतना जांच हो गई लोकर, अभी तक पड़ताल होता, कई आदमी जेल जाए के नौबत में फसल हुआ, वो समय तो रहला सचिव उस समय समझाओ कि नहीं तो के नेताजी के ए सब ए जो है पूरी तरीके से ए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 बार कहा कि आप आंकड़ा दे दीजिए, ये आंकड़ा आज तक नहीं दे पाए, सिर्फ जो है पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। गायत्री प्रजा, एक मिनट, गायत्री प्रजापति यार अभी तक जेल में हुआ, उनके छुड़ाए वाला कोई नहीं मिला यार, बतावा जिंदगी खराब हो गई, चिल्ला तो कोई तो आ जा और बताओ तो ऐसा बात, तू तो हमें सही सही बात बतावा, सही बात बतावा हमें कि क्या हो एक चाहिए। सही बात यह कि बतावा ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चल गई ना, है जितना तुरे साथ छोटा छोटा दल रहना वो सब चल, बेचारा केशव प्रसाद मौर्य दूर से तो क्या एक बार फिर से कहते कि हम तो के सपोर्ट कर रहे थे, तो ये नेताजी के समझाई? स्वामी राजभर की आप बात कर रहे हैं, राजभर जो है वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हर जगह आते जाते रहते हैं, उनका कोई स्तर नहीं रह गया। स्वामी प्रसाद मौर्य उन लोगों का कोई मामला था, आने वाले समय फिर हमारे साथ आने वाले हैं, भटक गए हैं, कहीं ना कहीं भटके हैं, लेकिन समय पे फिर आ जाएंगे, हाँ समय से समय जुड़ जाएंगे। बताइए भैया क्या हाल है, क्या नाम है आप? अजय सिंह। क्या करते हैं अजय जी? सोशल लाइफ में है राजीव। सोशल लाइफ में, तो क्या मन है आपका करने सोशल लाइफ में? सोशल लाइफ में तो सामाजिक सेवा है, राजनीति भी है। अच्छा, तो राजनीति कैसे कर रहे हैं? राजनीति समाज सेवा है और क्या है, समाज सेवा कर रहे हैं, कैसे करते हैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या करते हैं? पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं? हम जो है, हमारा एक प्रोजेक्ट भी है नमामि गंगे का। अच्छा, नदी की साफ सफाई, पार्कों की साफ सफाई, आरती। तो नमामि गंगे में गंगा साफ हो रही है, सही बताइएगा? गंगा तो नहीं है, लेकिन गोमती यहाँ साफ हो रही है, बगल पूरा नहीं है। क्या है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का लिया अभी हाल फिलहाल?
दिया गया, लगा भी है प्लान, शुरू है। अब कहीं कहीं दहने बाएं कुछ रहा ही, लेकिन अब ठीक हो रहा है। अब आप बाएं ले जा रहे हैं? नहीं, ठीक हो रहा है। हो रहा है ठीक? हाँ, ठीक हो रहा है। क्या बात है? का तू बताओ जरा। ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम भरपूर हो रहा है। ये विपक्ष वाले कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, ये समस्या। बेरोजगारी महंगाई सिर्फ विपक्षियों के ऊपर है, जनता में नहीं है बेरोजगारी महंगाई। नहीं, वो तो भाजपा के वहाँ नहीं आना है। 400 पार अब की बार। हाँ हाँ, 100% गारंटी है। कहीं घोटाला नहीं भाई साहब? घोटाला नहीं है, घोटाला इसमें नहीं। कहीं घोटाला नहीं, इसलिए भी कहीं घोटाला हो रहा हो, कहीं घोटाला नहीं होता। निचले लेवल पे तो पब्लिक जब खुद जो है इंटरेस्ट ले रही है पैसा दे काम कराने वाली बात हो तो दफात दूसरी चीज है, लेकिन कहीं कहीं टॉप लेवल पे कहीं कहीं घोटाले नहीं है। जो हजार हजार करोड़ के घोटाले होते थे, कहीं इस तरीके से घोटाला नहीं है। हम सचिन पुजारी हैं, यहाँ के लोग गायक हैं। एक निवेदन है, का गुरु का हाल चाल मा। चला हिल मिल के हो, चला हिल मिल के सब मतदान करी दे सभा महान करी ना। चला हिल मिल के सब मतदान करी दे सभा महान करी ना। आवा स्वस्त्र लोकतंत्र का निर्माण करी दे सभा महान करी ना। जैसे बिटिया की ताई योगी बारी का तलाशी, जैसे बिटिया की ताई योगी बारी का तलाशी, वैसे क्षेत्र के विकास के सुयोग प्रत्याशी। वोट देते कहीं हे, वोट देते कहीं खास बात ध्यान करी दे सभा महान करी ना। चला स्वस्त्र लोकतंत्र का निर्माण करी दे सभा महान करी। जिया राजा, जिया जिया ना? जिया राजा। बहुत बढ़िया बा। और कुछ हो तेरे पास? बस यही है, बस निवेदन है। अरे कोरा तो तड़कता भड़कता है यार, देखा तू यहाँ कप्तान साहब भी खड़ा हुआ, नेताजी भी। इसी आगे आगे बढ़ा दे, इसमें काफी सुंदर है। जैसे गुंडा यो मवाली झगड़ालू और बवाली, जैसे गुंडा गोए मवालू और झगड़ालू और बवालू, उनके जेब खरो खाली उनका वोट देओ जाली। आम जनता के वे आम जनता के कवन उत्थान करी दे सभा महान करी ना। लोकतंत्र का गुरु का हाल बा, का गुरु का हाल बा। आपने देखा ना कि सुल्तानपुर से क्या जबरदस्त लोगों में उत्साह है, लेकिन हर आदमी जुगाड़ में हो कि कैसे जुगाड़ लग जाए, सर्वा आगे जो ना सांसद और विधायक बन जाएं। लेकिन होना भी चाहिए, जिंदगी ऐसी होती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, रास्ते तलाशना चाहती है, और अपने लिए तो कुछ करना ही चाहती है, किसी और के लिए भी कुछ करना चाहती है। और शायद मैं समझता हूँ कि जब आप किसी और के लिए कुछ करेंगे तो वो भी आपके लिए कुछ करेगा, और शायद यही राजनीति है।